लालबरा में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने विश्राम गृह में मंगलवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर नगर मुख्यालय में किए जाने वाले विकास कार्यों सहित आगामी समय में क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। प्रेस वार्ता के दौरान आयोग अध्यक्ष श्री बिसेन ने कहा कि लालबरा विकास खंड का मुख्यालय है और हमारे विधानसभा क्षेत्र की राजधानी है, लेकिन कुछ कारण से हम लालबरा में जो काम कर सकते थे वह हम नहीं कर पाए। लेकिन एक कहावत है कि समय से पहले और नसीब से ज़्यादा हमें नहीं मिलता, और मुझे लगता है कि लालबरा का विकास संभवतः वर्ष 2022-23 में ही लिखा रहा होगा। श्री बिसेन ने कहा कि विश्राम गृह के सामने के नाले से कभी पानी की निकासी अच्छे से नहीं हो पाई एवं हमेशा गंदगी का आलम रहा, और ग्राम पंचायत ने कभी पानी निकासी की चिंता नहीं की, इसलिए हमने सोचा कि इसका सफाई अभियान में लगना होगा। पिछले दिनों मेगा स्वास्थ्य शिविर था, उसमें पूर्व हमारे पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता व ग्राम पंचायत पानरवानी के उपसरपंच व 11 पंच व पूर्व सरपंच सरिता मात्रे सहित सभी लोगों ने उत्साह के साथ वातावरण में अपना सहयोग किया। बाबूलाल भगत की मेहनत के कारण विश्राम गृह नए स्वरूप में दिखाई दे रहा है और जीर्ण शीर्ण भवन को तोड़ दिया गया है। ऐसे पेड़ जो गिरने लायक हो गए थे एवं सभी वृक्ष जलाऊ थे, उन्हें अलग करके समतली मैदान बना दिया गया, और हमारी योजना है कि आगामी समय में सर्व सुविधायुक्त विश्राम गृह बनाने का, जिसमें समय लग सकता है, जिसके लिए बजट में प्रावधान करेंगे, और सर्व सुविधायुक्त उच्च गुणवत्ता का रेस्ट हाउस बनाया जाएगा। श्री बिसेन ने कहा कि बालाघाट सिवनी मार्ग आने वाले समय में राष्ट्रीय मार्ग बनने जा रहा है, और जब राष्ट्रीय मार्ग बनेगा तो देश दुनिया के लोगों का विचरण होगा। ऐसी स्थिति में मैं मानता हूं कि हमारा रेस्ट हाउस किसी सर्किट हाउस से कम नहीं होना चाहिए, ताकि हमारे आगंतुकों का अभिनंदन कर सके, उन्हें स्वच्छ सुंदर वातावरण मिले और उनकी आवश्यकता की पूर्ति में रेस्ट हाउस मददगार साबित हो सके। काफी दिनों से यहाँ का जनमानस, आम जनता, और यह हमारा विकास खंड का मुख्यालय है, और एक तरफ से मैं कहूँ, इसमें दो मत नहीं, कि हमारे विधानसभा क्षेत्र की राजधानी। लेकिन अपराय कारणों से हम लालबरा में जो हम कर सकते थे उसको भी हमने नहीं करने पाए। लेकिन ये कहावत है, समय से पहले और नसीब से ज़्यादा कभी नहीं मिलता। मुझे लगता है लालबरा का विकास संभवतः 2022 और 2023 में लिखा रहा होगा, और आप देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर रेस्ट हाउस में बैठे हैं। रेस्ट हाउस के सामने जो पानी निकासी की नाली है, वह नाली में मैंने देखा कि कभी भी पानी ठीक से नहीं निकला, गंदगी का आलम, और यहाँ की नगर ग्राम पंचायत ने कभी उसकी चिंता नहीं की। हमने देखा कि अब हमको ही इसका सफाई अभियान में लगना होगा, और पिछले दिनों जो मेगा स्वास्थ्य शिविर यहाँ लगा, तो हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के हमारे पार्टी के पदाधिकारियों ने, और हमारे उपसरपंच जी ने, और उनके सारे 11 पंचों ने, हमारे पूर्व सरपंच सरिता मात्रे जी, पार्टी के हमारे महामंत्री अवधिया जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष योगेश लिल्लारे जी, और सारे लोगों ने, देवेंद्र अवधिया जी, एक एक का नाम लेने की जरूरत नहीं, राजेश गोस्वामी जी, प्रशांत जैन, सभी लोगों ने एकदम से उत्साह के वातावरण में यहाँ पर जो अपना एक विशेष परिचय दिया है, और उसमें हमारे बाबूलाल जी भगत, जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता ही नहीं, उनकी पत्नी श्रीमती गीता भगत हमारे जनपद पंचायत के सदस्य हैं, यहाँ पर एक सप्ताह से तो से जमे हुए हैं, और आज उनकी मेहनत के कारण हमारा जो रेस्ट हाउस है उसका नया नज़ारा आपको दिख रहा होगा। पीछे जहाँ पर जीर्ण शीर्ण टूटी हमारी इमारतें थी, जिनकी इमारतें भी नहीं कर सकते, खस्ता गोदाम थे, उन सबको हमने तोड़ करके प्लेन कर दिया। ऐसे वृक्ष जो या तो पोले हो गए थे या तो सड़ चुके, गिरने लायक हो चुके थे, और सभी वृक्ष जलाऊ थे, उन पौधों को हमने अलग करके एक प्लेन मैदान किया है। तो एक साल, दो साल, तीन साल हम बजट में प्रावधान करेंगे, सर्व सुविधायुक्त यहाँ पे उच्च गुणवत्ता का रेस्ट हाउस बने, क्योंकि ये जो मार्ग है आने वाले समय में यह राष्ट्रीय राजमार्ग बनने जा रहा है।
जब राष्ट्रीय राजमार्ग हमारा बनेगा तो यहाँ पर देश और दुनिया के लोगों के यहाँ से विचलन होगा, और ऐसी स्थिति में मैं मानता हूँ कि हमारा रेस्ट हाउस किसी सर्किट हाउस से कम नहीं होना चाहिए। श्री विसेन ने ग्राम पंचायत पानरवाणी सरपंच अनीस खान पर तंज कसते हुए कहा कि बस स्टैंड में बड़ी समस्या थी, पानी निकासी न होना, और 13 व 14 दिसंबर को जब मैंने देखा कि नाली में एक एक फीट कचरा भरा हुआ है, परंतु ग्राम पंचायत को दिखाई नहीं दिया। और 7-8 वर्ष पूर्व ग्राम पंचायत पानरवाणी को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विधायक निधि से कचरा ढोने के लिए कचरा गाड़ी दिया था, परंतु उसका उपयोग उन्होंने कचरा ढोने में काम घरेलू कार्य में अधिक किया, जिसकी शिकायत भी मेरे पास आई थी कि सरपंच कचरा गाड़ी में रेत ईंट ढोने का कार्य अपने मकान बनाने व स्वयं के काम में किया रहा है पंचायत के काम में नहीं किया गया, जिसके कारण पंचायत में बज बजाती गंदगी का आलम रहा, जिसका पूरा दोषी वर्तमान सरपंच अनीस खान है। इसलिए हमने तय किया है कि लालबर्रा को न केवल साफ सुथरी पंचायत रखेंगे, बल्कि आने वाले समय में लालबर्रा, पांडरवानी, अमोली, बकोड़ा, पनवीरी, मानपुर, बेलगांव, अल्याकनार पंचायत को मिलाकर नगर परिषद बनाएंगे, और जब हम नगर परिषद में जाएंगे तो नगर परिषद के स्वरूप को लेकर जाए। बड़ी समस्या थी बस स्टैंड में पानी जमा होना, पानी का निकासी नहीं होना। मैंने जब यहाँ पर देखा 12-13 तारीख को, तो नालियों में एक एक फीट कचरा भरा हुआ था, पॉलिथीन, जिल्लियाँ, जो हमारे पाउच मसालों के, गुटखों के, और ग्राम पंचायत तो दिखे ही नहीं कहीं। ग्राम पंचायत को मैं जब पिछले बार ग्राम पंचायत बनती 7-8 साल पहले, हमने इनको कचरा ढोने का वाहन विधायक निर्वाचन क्षेत्र विकास निर्देश दिया, मुझे लगता है उसका इन्होंने उपयोग कचरा ढोने में कम, अपने खुद के घरों काम में ज़्यादा किया। मेरे पास शिकायत भी है कि कचरा ढोने वाहन का काम इन्होंने रेत ढोने में, ईटा ढोने में, और अपने मकान बनने के लिए किया, अपने खुद के काम में किया, पंचायत के काम में नहीं किया, और जिस कारण पूरे पंचायत में एक तौर से बज बज गंदगी का आलम रहा है, और इसके लिए पूरा दोषी यहाँ का वर्तमान सरपंच है अनीस खान है। इसलिए हमने तय किया है कि लालबर्रा को न केवल साफ सुथरी नगर ग्राम पंचायत रखेंगे, बल्कि आने वाले समय में लालबर्रा हमारा मुख्यालय जो हमारा राज्य का पांडरवानी है, दूसरा हमारी पंचायत पनवेली, तीसरी हमारी अमोली, मालपुर, बेलगांव, बकोड़ा, आवलियाकनार, पनवेली, इन गांवों को मिलाकर, इन पंचायतों को मिलाकर के हम नगर परिषद बनाने जा रहे हैं। जब हम नगर परिषद में जाएं तो नगर परिषद के स्वरूप को लेकर जाएं। श्री विसेन ने कहा कि बकोड़ा में स्वास्थ्य विभाग की जमीन है, जहां सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य किया जाएगा, और एक दानदाता ने रास्ते के लिए जमीन भी दान दी है, जिसकी कागजी कार्रवाई बाकी है। शासन से राशि स्वीकृत होने के बाद बकोड़ा में सर्व सुविधा युक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनेगा। रामजी टोला के पट मैदान तक पहुंचने के लिए अमोली के पास चौड़ीकरण सड़क का निर्माण कार्य किया जाएगा, साथ ही लालबर्रा मुख्यालय की सड़क का पानी निकासी के लिए नाली का भी निर्माण कार्य किया जाएगा। जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा बहुत अतिक्रमण हटाकर वन वे रोड बनाएंगे, और हमारा प्रयास है कि सिवनी से बालाघाट नेशनल हाईवे बने। और आप अवगत है कि खैरी से लवादा, लवादा से लेंडेझरी, लेंडेझरी से डोंगरिया से मिताली नर्सिंग होम होते हुए खुरसोड़ी तक 41 किलोमीटर बाईपास सड़क के लिए 460 करोड़ रुपए स्वीकृत हुआ है, जिसका कार्य किया जाएगा, और आने वाले समय में लालबर्रा में सुंदर सड़क का निर्माण होगा। हमारे जो मैंने गांव के जहां आपके सामने वर्णन किया है, बहुत जल्दी बकोड़ा में जो हमारे हेल्थ विभाग का भूमि है, उसका रास्ता भी हमने प्राप्त कर लिया है। एक दानदाता जी ने पूरे रास्ते के लिए हमें जमीन प्रदान कर दिया है, कागजी कार्रवाई होना बाकी है। तो जब हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनेगा, हम बकोड़ा में बनाने जा रहे हैं, वो संपत्ति हेल्थ विभाग की। श्री विसेन ने कहा कि 14 व 15 दिसंबर को लालबर्रा में जो स्वास्थ्य शिविर हुआ, वह बालाघाट जिले के इतिहास में सबसे बड़ा स्वास्थ्य शिविर हुआ है। मैं जनता व प्रबुद्ध जनों को आपके सहयोग से ही यह पूरा हो पाया है, और मंडी निधि से कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य किया गया, जिसका नाम राजा भोज जैविक प्राकृतिक कृषि उपज मंडी कॉम्प्लेक्स रखा गया है, जिसका कार्य चालू है। मंडी बोर्ड निधि से मंडी कॉम्प्लेक्स से खुमान ठाकरे की दुकान तक सड़क का निर्माण कार्य किया जाएगा। श्री विसेन ने आगे कहा कि विधायक निधि से 2 CC सड़क का निर्माण कार्य चालू है, और ठेकेदार से कहा गया कि गुणवत्तापूर्ण कार्य करे। श्री विसेन ने कहा कि सड़क, बिजली, पानी व साफ सफाई, इस एजेंडे को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि क्षेत्र की जनता जिस तरह से अब तक सहयोग किया है, आगे भी करे। बालाघाट विधानसभा का लालबर्रा साफ सुथरा व सुंदर बने शहर बनेगा।
श्री बिसेन ने कहा कि नए वर्ष में नए विषय, नए विचार व नए विकास को लेकर जाएंगे और मोक्ष धाम के रख रखाव व सफाई के लिए समिति बनी है जिसमें सभी लोग सहयोग कर रहे हैं और मोक्षधाम पहुंच मार्ग का पुनः नवीन सड़क का निर्माण कार्य किया जाएगा एवं पांडरवानी अमोली व मानपुर पंचायत में जहां झाड़ियां है उसकी कटाई कर सफाई की जाएगी। सफाई का कार्य अनवरत जारी रहेगा और नगर परिषद बनने के पहले एक सुंदर स्वरूप के रूप में नगर परिषद बनाएंगे जिसके माध्यम से क्षेत्र का सर्वांगीण विकास किया जाएगा और यह चुनाव राष्ट्रीय सिंबल पर नगर निगम के नियम के अनुसार होगा।